हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों फाइनली आपको पता होगा रियलमी 9 प्रो में तो अपडेट आया है रियलमी UI 5.0 का। तो गाइस ये वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ अपडेट के रिगार्डिंग, जो जो फीचर्स यहाँ पर आए हैं और जो जो नया फीचर आपको दिखने को मिलेगा इस अपडेट में, और कोई बग दिखने को मिला या नहीं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और गाइस वीडियो आपको इम्प्रूव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो अपडेट भी हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायल वर्जन यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ अपडेट क्या क्या चेंजेस हुए, तो आपको यहाँ पर ही दिखा देता हूँ एबर्ट फोन में क्या चेंजेस हुए। यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉइड 14 यहाँ पर दिखने को मिल जाता है, और आपको जानवर मन का सिक्योर पैच भी दिखने को मिल रहा है जो कि ओल्ड सिक्योर पैच है। तो जो कि पिछले वाला जो कि C.16 अपडेट में था वही वाला सिक्योर पैच यहाँ पर दिया गया है, तो न्यू वाला सिक्योर पैच नहीं आया है। तो देखते हैं नेक्स्ट अपडेट में ये आता है नहीं आपको मैं बता दूंगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कलर ओएस वर्सन भी चेंज हो गया है। तो गाइस आपको पता होगा रियलमी UI और ऑक्सीजन ओएस, कलर ओएस, ये तीनों डिवाइस में आपको सेम टू सेम फीचर सारे दिखने को मिलता है, और UI डिजाइन भी आपको सेम टू सेम जेरोक्स दिखने को मिलता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा फर्क यहाँ पर दिखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको रियलमी UI ऑक्सीजन ओएस यहाँ पर डिफरेंट दिखने को मिलता है सिर्फ लेटर में, और कोई ज़्यादा चेंज दिखने को नहीं मिलता है। तो गाइस आपको मैं यहाँ पर वर्सन भी दिखा देता हूँ एंड्रॉइड 14 का, जो यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉइड 14 हो चुका है अपडेट के बाद। तो आपको पता होगा या नहीं मुझे पता नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। तो यहाँ पर रियलमी ने वादा किया था इस डिवाइस को आपको 2 एंड्रॉइड अपडेट दिखने को मिलेंगे, तो अभी वो वादा के मुताबिक आपको 2 अपडेट दिखने को मिल चुके हैं एंड्रॉइड वर्सन, तो इसको मिलाकर 2 अपडेट हो चुके हैं। तो गाइस इसके बाद आपको और कोई एंड्रॉइड वर्सन वाला अपडेट दिखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जो सिक्योर पैच चेंज होगा और आपको थोड़ा बहुत चेंज भी दिखने को मिलेगा जो नेक्स्ट अपडेट आएंगे, तो थोड़ा बहुत चेंज दिखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एंड्रॉइड वर्सन वाला अपडेट दिखने को नहीं मिलेगा आपको। और गाइस इस अपडेट के मैं चेंजेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिले हैं आपको। UI में टेक्सचर थोड़ा ऐड किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी सेटिंग पर भी चेंजेस दिखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो जो यहाँ पर मेंशन किया गया, जैसे कि बैटरी हो गया, जैसे कि हमारा सिक्योरिटी हो गया, यहाँ पर नीचे एक लाइन दिखा रहा है सेम टू सेम आपको आईफोन जैसा लगेगा यहाँ पर। तो गाइस इतने दूर आ चुके तो आपको बैटरी के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो गाइस बैटरी सेक्शन पर अभी है हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी में थोड़ा बहुत फीचर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर स्मार्ट चार्जिंग ऑप्शन ऐड हो चुके हैं इस अपडेट में, और आपको 80% चार्ज स्टॉप यहाँ पर फीचर ऐड हो चुका है इस अपडेट के बाद आपको दिखने को मिल जाएगा। और गाइस आपको इस अपडेट के बाद और एक न्यू एनिमेशन दिखने को मिलेगा, चार्जिंग एनिमेशन, क्योंकि यहाँ पर अपडेट करने के बाद आप एक बार चेक कर लेना तो आपको एनिमेशन दिखने को मिल जाएगा। तो आप चेक भी क्या करोगे, तो जब भी आप चार्ज में लगाओगे डिवाइस को तब आपको दिखने को मिल जाएगा न्यू वाला एनिमेशन। थीम सेम है लेकिन यहाँ पर एनिमेशन चेंज हो चुका है। तो इस अपडेट के बाद आपको और एक प्रॉब्लम भी दिखने को मिलेगा बैटरी में ही, तो आपको बैटरी ड्रेन इशू दिखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। तो इस अपडेट के बाद मुझे 5 आवर का बैटरी बैकअप दिखने को मिला है मेरे डिवाइस में। तो गाइस ये C.16 जैसा ही अपडेट होने वाला है, क्यों वहाँ पर भी मुझे 5 आवर का बैटरी बैकअप दिखने को मिल रहा था, तो सेम टू सेम वही वाला अपडेट है, लेकिन यहाँ पर फीचर ऐड हो चुके हैं रियलमी UI 5.0 के इसके ऊपर। और गाइस आपको सिक्योरिटी में भी चेंज दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर UI थोड़ा चेंज भी हो चुका है इस अपडेट के बाद। तो देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक ही कर दिया गया है इस अपडेट के बाद, आपको दिखने को मिल जाएगा एक ही जगह पर। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा नीचे आप आओगे तो आपको सारे जो सिक्योरिटी में दिखने को मिल रहे थे आप लोग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सेफ्टी हो गया, तो यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखने को मिल जाएगा नीचे, तो यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो। और आपको थोड़ा बहुत UI भी चेंज दिखने को मिलेगा, तो आप जैसे कि यहाँ पर लॉग जैसे करोगे तो 3 वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर थोड़ा आईफोन जैसा कर दिया गया है इस अपडेट के बाद। तो और चेंजेस के बात करें तो आपको नया वाला वॉलपेपर भी दिखने को मिला है, तो और कोई ज़्यादा चेंजेस दिखने को नहीं मिला है, तो आपको सिर्फ वो नया वॉलपेपर दिखने को मिला है, और आपको AOD में चेंज दिखने को मिला है बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं नया वाला वॉलपेपर, तो बहुत सारे वॉलपेपर ऐड हो चुके हैं इस अपडेट के बाद, तो ज़्यादा तो नहीं यहाँ पर जो जो ऐड हुए हैं, तो पुराने वालों को रिप्लेस करके यहाँ पर नया वाला वॉलपेपर ला दिया गया है। तो और आपको यहाँ पर देख सकते हैं और कोई ज़्यादा चेंज दिखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पर AOD में चेंज दिखने को मिलेगा, यहाँ पर ऐड हुआ है कार्बन फुटप्रिंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2-2 ऑप्शन ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं CO2 का लेवल, तो यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा AOD में। तो बस इतना ही चेंज हुआ है इसमें, तो वॉलपेपर एंड स्टाइल में यहाँ पर इतना ही चेंज दिखने को मिला है। लग रहा था और कोई ज़्यादा चेंज दिखने को मिलेगा इस सेक्शन में, लेकिन इतना ही चेंज हुआ है, तो क्या करें। तो देखते हैं फ्यूचर में ऐड हो सकता है नया वाला फीचर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे फीचर ऐड हुए हैं इस डिवाइस में, जो जो मुझसे बच रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो गाइस। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ मैं इसका लॉक स्क्रीन पर, लॉक स्क्रीन में जो जो चेंज दिखने को मिले हैं आपको मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में आपको आपका सिक्योरिटी जो पिन डालोगे, तो यहाँ पर वो वाला सेक्शन अभी आईफोन जैसा कर दिया गया है,
पूरा आईफोन डिटो आईफोन जैसा कर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। और गाइस ये लॉक स्क्रीन पर हूँ तो आपको मैं चार्जिंग एनिमेशन के बारे में तो पहले बताया दिया था, लेकिन और एक बार बता देता हूँ तो यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन भी चेंज दिखने को मिलेगा और आपको चार्जिंग जब एनिमेशन होगा आपको पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इसी तरह दिखने को मिलेगा आपको चार्जिंग एनिमेशन। तो गाइस आपको चार्जिंग एनिमेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साइड में जो बेल आइकन इसको ऑल पर क्लिक कर देना। तो गाइस अभी मैं क्विक रिव्यू दिखा देता हूँ जो जो चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गैलरी में चेंज दिखने को मिलेगा, नया यूआई दिखने को मिलेगा और आपको कैमरा भी न्यू यूआई दिखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं पूरा टोटल चेंज हो चुका है कैमरा में भी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर मोर में भी चला जाता हूँ तो देख सकते हैं मोर में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यूआई थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है तो पिछले वाले से तो बेटर है यहाँ पर लग रहा है मुझे। तो गाइस ये मेन चीज यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो मेन चीज में यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर, तो आपको पता होगा जो जो पर हायर डिवाइस यूज करते हैं रियलमी का, तो यहाँ पर तो आपको रियलमी यू आई 5.0 से तो पहले आपको दिखने को मिल गया होगा ये वाला, लेकिन यहाँ पर रियलमी 9 प्रो प्लस में आपको अभी दिखने को मिल रहा है। तो ये वाला कंट्रोल सेंटर मुझे पहले से ही चाहिए था लेकिन मुझे अभी मिल रहा है डिवाइस में, तो चलेगा तो मिल गया तो अच्छी बात है। तो गाइज अभी मैं आपको और एक ऐप दिखा देता हूँ जो कि चेंज हुआ है अपडेट में, जो कि सिस्टम यहाँ पे होने वाला है पावर मैनेजर और फाइल मैनेजर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही चेंज हो चुके, जो कि पिछले वाला अपडेट C.16 में ही चेंज हो गया था आपको मैं बताया था। चेंजेस के बारे में बात करें तो और आपको एक जगह में चेंज दिखने को मिलेगा जो कि साउंड सेक्शन में। तो यहाँ पर साउंड सेक्शन में आप जाओगे तो आपको दिखने को मिलेगा पूरा हाई कर दिया गया है। तो देख सकते हैं पूरा चेंज हो चुका है पर, तो मुझे तो लग रहा है चेंज, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हो। गाइस नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करें तो नेक्स्ट चेंज में आपको दिखने को मिलेगा साइड बार में। तो साइड बार में क्या क्या आप दिखने को मिलेगा आपको बता देता हूँ। तो साइड बार में एक चीज आपको दिखने को मिलेगा नहीं, जो कि आपका म्यूजिक है, जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक ऑप्शन है यहाँ पर दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सब चीजें आपको दिखने को मिलेगा। और आपको दो फीचर ऐड हो चुके हैं जो कि रिसेंट है और आपको फाइल डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंट कैसे आप यूज करोगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंट पर जो मैं क्लिक कर रहा हूं और आपको रिसेंट में जो जो आप यूज कर रहे होंगे आपका गैलरी में यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा कुछ इसी तरह। तो गाइस ये तो रहे सारे फीचर। तो और एक फीचर मुझे लगा कि रियलमी वाले भूल गए हैं इस डिवाइस के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अभी जाके आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक पिक्चर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे आप प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आईफोन जैसा यहाँ पर क्रॉप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये वाला फीचर अभी इस डिवाइस के लिए ऐड नहीं हुआ है, तो मुझे इस अपडेट का डिसएडवांटेज लगा है क्योंकि यहाँ पर ये वाला फीचर तो मेन हाईलाइट था लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है रियलमी की तरफ से। तो गाइस और कोई फीचर मुझे दिखने को मिलेगा तो आपको मैं बता दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, नहीं तो मैं खुद ही आपको और एक वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस और कोई फीचर आपको दिखने को मिला है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो इस अपडेट का। तो गाइस आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेट लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।